परमेश्वर, तू मेरे पापों का प्रायश्चित चाहता है तो मेरे प्राण ले ले, लेकिन इस बच्चे को जीवन दान दे दे। जो इसकी प्रतीक्षा कर रही है उस माँ के लिए इसे जीना होगा। महिष्मती सिंहासन के लिए इसको जीना होगा। महेंद्र बाहुबली को जीना होगा। पता मालिक, चूड़ी देखकर तो लगता है कोई रानी महारानी होगी। वहाँ ऊपर की ओर उंगली दिखा रही थी। मालिक। अरे क्या हुआ? लगता है ये लोग अम्मा को मारने आए थे, पर अम्मा ने बड़ी चालाकी से इन्हीं को मार दिया। मालिक, उई माँ गुफा, इसके बारे में तो हमको कुछ पता ही नहीं था। लगता है इस गुफा से कोई रास्ता निकलता है। वो अम्मा ने ऊपर की ओर उंगली दिखाई थी, यानी बच्चे को वहाँ ले जाया जाए। अरे पगला गए हो, दूध पीते बच्चे को मारने सिपाही भेजे गए, तो सोचो वहाँ ऊपर कितना बड़ा संकट होगा। हाँ। ये मेरा बेटा है, इस बच्चे को मेरी गोदी में गंगा मैया ने डाला है। जो मेरी बात नहीं मानेगा मैं उसकी गर्दन पाँव तले कुचल दूंगी। ए, क्या देख रहे हो? बंद कर दो ये गुफा। यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? माँ वो ऊपर क्या है? माँ ऊपर भूत प्रेत रहते हैं, बच्चों को चीर फाड़ के खा जाएंगे। मैं ऊपर जाऊंगा माँ। फिर से वही बात, चल। राजा बेटा फिर से नहीं जाएगा ना? इस बार चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा? वो जल पर्वत देखा है? बादलों में घुसा पड़ा है। अरे वो 40 गज से कितनी बार गिरा है? हाँ, कम से कम 100 बार। अभी देखना इस बार भी फिर से गिरेगा।
अच्छा। ओ शिवा, वो देखो तुम्हारी माँ क्या करने पर तुली हुई है। शिवा। 15, 101 बार और अभिषेक करो तो तुम्हारी मन्नत अवश्य पूरी होगी। स्वामी, मन्नत पूरी हो गई तो मेरा बेटा मेरी बात सुनेगा? उस जल पर्वत पर जाना छोड़ देगा? तो, शिव की शक्ति जानती हो? तुम मन से महाकाल का अभिषेक करो तो वो तुम्हारे पुत्र को उचित दिशा प्रदान करेंगे। ठीक है स्वामी। शिव शिव। माँ, तुम अपने आप को छोटी बच्ची समझती हो क्या? इतनी भागदौड़ करोगी तो क्या हाल होगा तुम्हारा? माँ मेरी बात सुनो ना। जा, कभी तूने मेरी बात सुनी? बाबूजी, माँ को समझाओ ना। संगा। क्या? अरे वो फूल तुमने कहाँ रखा? बाबूजी। छोड़ मुझे। इसे तुम्हारी जगह मैं कर दूँ? मान जाओ ना। ना, शिव नहीं मानेंगे। जिसने मन्नत मानी वही पूरी करे। स्वामी, तुम अपना हाथ मरोड़ो ना। माँ माँ क्या है रे? माँ, मैं तुम्हें ऐसे उठा लूंगा। अब नहलाओ अपने शिव को। मान जाओ ना। ना, शिव नहीं मानेंगे। जिसने मन्नत मानी है उसी को पूरी करनी होगी और चल के पूरी करनी होगी। स्वामी, आप और आपके शिवजी मेरी माँ की जान लोगे क्या? पता नहीं शिव के मन में क्या चल रहा है, वो हम क्या जाने। शिवा शिवा। ए सांगा, देख तेरा बेटा क्या करने जा रहा है। अब क्या करने जा रहा है? शिवा, रुक जा। क्या कर रहा है? नरक में जाएगा। शिवा, रुक जा, रुक जा। शिवा। शिवा रुक जा। जटा कटाह संभ्रम भ्रमन निलिंप निर्जरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनी। ललाट पट पाव के किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण छाया। उसकी भुजाएं बदले कथाएं। भागीरथी तेरी तरफ शिवजी चले, देख जरा ये विचित्र माया। जंग पिंगल स्फुर प्रणामणि प्रभ कदंब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वजूमुखे मदांध सिंधुर स्फुर गुप्तरीय मेधुरे मनो विनोद मद्भुतम विभर्तु भूत वर्तरी।
बार नहीं, अब हर घड़ी नहलाओ, अब तो खुश हो ना। स्वामी, जो आपने कहा वही हुआ। पिछली अमावस्या मेरे शिवा ने उस जल पर्वत की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। तो कहा समझा था शिव को? लेकिन जब देखो वो मुखौटा जो शिवलिंग से टकरा के नीचे गिरा था, उसी को पकड़ के बैठा रहता है, वो है क्या? कहा पता शिव का देता है, हम का जाने, शिव से ही पूछना पड़ेगा। स्वामी, लिंग का अभिषेक तो हमारे बेटे शिवा ने किया है ना, तो ऊपर जाने की उसकी मन्नत पूरी होगी या फिर सांगा की मन्नत कि शिवा यहीं रहे। आग लगी तुम्हारी जबान को, मेरे बेटे ने जो किया मेरे लिए किया, तो मेरी मन्नत ही पूरी करेगा, है ना स्वामी? शिव जो सोचता है वही करता है। शंभू शंकर, शंभू शंकर। का बोले? अरे ओ शिवा, और कितने दिन इस लकड़ को पकड़ के बैठे रहोगे? वो ऊपर कोई तो है। है तो तुमको क्या, वहाँ तुम्हारी माँ कब से गला फाड़ रही है, चल घर चल। जाओ रे, मैं बाद में आऊंगा। ए चलो रे। कौन हो तुम, क्यों आई हो मेरे पास? You're gonna
जहाँ जाएगी तो वहाँ वहाँ आऊंगा मैं रुके से मैं ना मानू झुका हूँ हवाओं का मैं थम न ठहर जाना क्या जानू जो पर्वत भी मुझको रोके मुझे रोके मैं ठोकरों से उड़ा दूँ दो पल में Hey!
तुम्हारे पास कैसे आया? तुम्हें से कोई हमारे राज्य में चोरी छुपे घुस आया था। वो देवसेना को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, हमने उसे मार डाला। ये उसके हाथ में था, मैंने उसे ले लिया। मैं और कुछ नहीं जानता, मुझे छोड़ दो। मुझे कोई निशान ना रहे, सारी लाशें दफना दो। दिलीप को भी वीरगति प्राप्त हुई सरदार। तुम्हारे आंसू पलकों से नीचे ना गिरने पाए। उन राक्षसों ने हमारी मर्यादा को बेड़ियों में जकड़कर नगर के चौराहे पर खड़ा किया। हमारी रानी देवसेना को क्रूरता से जानवर की तरह बांध दिया। माना कि हमारा आत्मगौरव घायल है, लहूलुहान है, तड़प रहा है, लेकिन हमारी आंखों से आंसू नहीं, अंगारे निकलने चाहिए। क्या तुम अपनी ली हुई सौगंध भूल गए? मरते दम तक नहीं भूलेंगे सरदार। बात लक्ष्य की हो तो चाहे बिजली टूट पड़े, टूटे पर्वत धरती छोड़ दे, सर के टुकड़े हो जाए। अपना लक्ष्य पाने के लिए सरदार, माहेश्वरी में हमने महावीर कटप्पा के बारे में लोगों से सुना कि वो नेक दिल हैं, उनसे सहायता मांगे। करिकाल कटप्पा नाडार, वो नेक दिल हैं, वो चाहें तो हमारी सहायता कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं। कटप्पा सिंहासन के गुलाम हैं। कटप्पा, काबुल से हथियारों के सौदागर शेख असलम खान आपसे मिलने आए हैं। ये शमशीर बगदाद की जमीनों से निकले हुए फौलाद से बनी, गोलान पहाड़ियों के तपती हुई भट्टी में ढली। पर्शिया के साइंस दानों ने इसकी धार तैयार की। दूध पीता बच्चा भी इसे हाथ में ले ले तो एक झटके में 10 दरख्त काट गिराए। इसका नाम है सिकंदर, शान शमशीर। अद्भुत है ये शमशीर, लेकिन मुझे माफ करें असलम जी, हमारी रफ्तार के आगे नहीं टिकेगी। गुस्ताखी! बदन से बहा खून और तैश में बोली बात दोनों वापस नहीं आते। कटप्पा, मेरी इस तलवार के सामने अपनी रफ्तार साबित करो। Yeah.
समझे कटप्पा? चीन, सीरिया, मंगोलिया, यूनान, पूरी दुनिया देख ली मैंने, लेकिन आप जैसा वीर नहीं देखा। आपके साथ दस्तरखान पर बैठना मेरे लिए फख्र की बात होगी। आइए कटप्पा। मुझे माफ करें असलम जी, गुलाम को राजघराने के साथ उठने बैठने की अनुमति नहीं। गुलाम? इतने बड़े हथियार खाने के अधिपति आप एक गुलाम? हाँ असलम जी, ऐसा गुलाम कहाँ होगा जो युद्ध के लिए हथियार बनाता है, युद्ध में अपनी जान पर खेलकर राजा की जान बचाता है और युद्ध के बाद राजा के चरणों में पड़ा रहता है। बोलिए, आपकी आजादी के लिए महाराज को कितनी कीमत चाहिए? मैं 10, 50, 100 गुना देकर आपकी आजादी खरीद लूंगा, बोलिए। इस गुलाम की कोई कीमत नहीं असलम जी। मेरे वंश में जन्म लेने वाला हर कोई माहिष्मति राज सिंहासन की गुलामी करेगा, ये मेरे पुरखों का वचन है। वचन देने वाले इस दुनिया में नहीं रहे और आप अब तक? वचन देने वाले दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका वचन आज भी है असलम जी। ये मिट्टी का ढेर अब इस मिट्टी की अमानत है। आपको देखकर पता चलता है कि वफादारी का भी एक चेहरा होता है कटप्पा। कभी कोई जरूरत पड़े तो भूलना नहीं कि दुनिया में आपका एक दोस्त भी है। वैशाली कहाँ चली? अभी आती हूँ। अपने लक्ष्य तक पहुंचने का एक और सुनहरा अवसर हमें मिला है। आने वाली चतुर्दशी को भल्लाल देव का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। पूरा राज्य उत्सव की तैयारी में लगा होगा। रानी देवसेना को छुड़ाने का अवसर। सरदार, मुझे सरदार मुझे जाने दीजिए। सरदार, मैं जाऊंगा। इस बार अवंतिका को दूंगा। अवंतिका, ये क्या है? ये कहां से आया?
वहीं से जहां तुम संघर्ष को भूलकर श्रृंगार की तरफ मुड़ गई। जिसे अपने शरीर से प्रेम हो वो अपने प्राण दांव पर नहीं लगा सकता। तुम इस गौरव के लायक नहीं हो, जाओ। कायरता के नहीं है मेरे ये आंसू, और पीड़ा के तो बिल्कुल भी नहीं। ये मेरा रक्त है जो खोलकर भाप बन गया और मेरी आंखों से बह निकला। अगर इन आंसुओं की आंच आप तक पहुंच रही हो तो मुझे जाने दीजिए। दो दिन बाद तुम्हें कूच करना है, तैयारी करो, ध्यान से अपना काम पूरा करके आओ अवंतिका। अगर तुम सावधान न रही और पकड़ी गई तो वो भल्लाल देव तुमको तड़पा तड़पा के जान से मार देगा। सांड को जंगल से लाए हुए दो दिन बीत चुके हैं, अभी तक हम उसे वश में नहीं कर सके। उससे टक्कर लेने में जान का खतरा। ओए महामंत्री, भल्लाल देव से टकराना है तो एक नहीं 10 सांड बुलाने पड़ेंगे। आ जाइए आप। Yeah!
आपने? तुम्हारी निष्ठा देखकर मैं सच में हैरान हो जाता हूं कटप्पा। तुम्हारे मन में मेरे लिए कितना द्वेष है ये मैं जानता हूं, फिर भी अपने प्राण संकट में डालकर मेरी रक्षा करते हो। कैसे कटप्पा, कैसे करते हो तुम ये? ठीक है, मांगो क्या मांगते हो, जो भी चाहो। प्रभु, मेरी एक ही विनती है। 25 सालों से देवसेना दंड सह रही है, उन्हें मुक्त कर दीजिए। ठीक है, वचन दिया तो दिया, जाओ देवसेना को मारकर उसे मुक्त कर दो। मृत्यु से बड़ी मुक्ति और क्या हो सकती है कटप्पा? नहीं तो फिर भुगतने दो, 25 साल नहीं अंतिम सांस तक भुगतने दो। क्यों देव सेना, तुम पर होने वाले जुल्म में कोई कमी तो नहीं रह गई? तुमने मुझे ठुकराया और उसको चाहा, अब बताओ कहां है वो? एक बात पूछता हूं, सच बताना देवसेना, इतने सालों में किसी ने भी कभी भी कहीं भी उसका नाम तक पुकारा है? उन अंधेरी रातों में, कैद खानों के सन्नाटों में, क्या तुम्हें अपनी बेड़ियों की गूंज में कभी भी उसका नाम सुनाई दिया? नहीं, माहिष्मति भूल चुका है देवसेना। उसका नाम सिर्फ जुबानों से नहीं, यादों से भी मिट चुका है। इस राज्य में सिर्फ दो लोग उसका नाम लेते हैं, तुम और मैं। तुम की अपनी मौत से पहले उसे आखिरी बार देख पाओ, मैं ताकि एक बार और उसे अपने हाथों से मार पाऊं। दोनों की इच्छाएं अधूरी हैं,
महादेव सेना, इस बार तो मान जाइए। आप आज्ञा दें तो बेड़ियां तोड़कर आपको मुक्त कर दूं। क्या जीवन भर आप कैदी बनी रहेंगी? नहीं कटप्पा, मेरा बेटा आएगा, वही मुझे छुड़ा कर ले जाएगा। मरा हुआ बेटा कैसे आएगा माँ? मेरा बेटा जीवित है, वो मुझे ढूंढता हुआ जरूर आएगा। जो बेटा जीवित ही नहीं है, उसकी प्रतीक्षा में आप क्यों इतना कष्ट भोग रही हैं? इस भ्रम से निकलिए माँ, आपको मुक्त करवाने का अवसर मुझे बार बार नहीं मिलेगा। रात के पहरेदार किसी भी समय यहाँ आ जाएंगे, मान जाइए, मान जाइए माँ। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, और आप ये क्या पागलपन कर रही हैं? मेरा लकड़ियां बटोरना तुम्हें पागलपन लगता है ना कटप्पा? चिता सजा रही हूं। भल्लाल देव का रक्त, प्राण, हड्डियां, शरीर सबको भस्म करने के लिए चिता सजा रही हूं। मेरा बेटा आएगा और उस तरिंदे को खींच कर इस चिता पर लिटाएगा। मेरा बेटा उस भलाल देव की चिता को मेरे हाथों से अग्नि दिलाएगा। मृत्यु के भय से जब वो चिल्लाएगा तो माहिष्मती महल की दीवारें दहल उठेंगी। मेरा बेटा आएगा। क्या हुआ अवंतिका? कल यहीं उसने मेरे हाथ पर चिन्ह गोद दिया था, मुझे देखकर वो फिर आएगा। अवंतिका, ये क्या है तुम्हारे कंधे पर? अवंति, तू जा, मैं आती हूँ। अवंति सुनो, मुंह लटकाए खाए बैठी हो, हंस नहीं सकती?
बाप रे बाप। ए, तीर क्यों चला रही है? मेरी जान लेना चाहती है क्या? कौन हो तुम? हाँ ये है ना सही सवाल। मेरा नाम शिवा है, अम्बोली गांव से आया हूँ। तुम्हारे लिए वो जल पर्वत चढ़ के क्या लड़की है? इसीलिए कहते हैं बात माननी चाहिए। देख लिया ना, ऐसे ही गड्ढे में गिर गई। अवंतिका, अब बोल कौन है तू? मैं सच कह रहा हूं, मैं वो जल पर्वत चढ़ के। केवल महाशिव ही ऐसा कर सकते हैं। वही तो, मैं शिव ही तो हूं। बताता हूँ, सब बताता हूँ, सारी बात बताता हूँ। लेकिन उससे पहले एक बात पूछनी है। क्या है? तुम कौन हो? तुम कौन हो? हाथ में तलवार, बदन पे कवच, चेहरे पे गुस्सा, आंख में अंगार। ऊपर जो मुखौटा है उसके बारे में नहीं पूछ रहा हूं, उसके पीछे सच में तुम कौन हो? मैं बताऊं? तुम एक लड़की हो, मैं एक लड़का। मैं तुम्हें प्यार करने आया हूं। अब दर्द हुआ। ये तो मेरा
झरने के पास गिर गया था। मतलब तुम सचमुच सारे पर्वत पार करके आए मेरे लिए। इसके पीछे जो मुस्कान है वही देखने तो आया था इतनी दूर से, लेकिन अब तक दिखी नहीं। के इतिहास में न भूतो न भविष्यति। 50 गज ऊंची स्वर्ण प्रतिमा, देवताओं को भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। इसकी प्रतिष्ठा होते ही आपके पुत्र महाराज भल्लाल देव की कीर्ति दसों दिशाओं में व्याप्त हो जाएगी। क्या सारी तैयारियां पूरी हो गई? हाँ प्रभु, सब पूरी हुई। स्थापना समारोह अद्भुत होगा, समस्त ब्रह्मांड करतल ध्वनि से गूंज उठेगा प्रभु। Ah!
ढूंढो। मुझे क्षमा करो प्रभु, मुझे मत मारो प्रभु, मुझे क्षमा करो प्रभु। मुझे क्षमा कर दो शिवा, मुझे और कुछ नहीं सूझा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, लेकिन अपने लक्ष्य को भी। तुम मेरी हो अवंतिका, और तुमसे जुड़ी हर चीज मेरी है, तुम्हारा लक्ष्य भी मेरा है।
वो देवसेना कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन अगर तुम उसकी मुक्ति चाहती हो मैं ले आऊंगा, वचन देता हूं। जल रही है चिता, सांसों में है धुआं, फिर भी आसमान में है जगी, भोर होगी क्या कभी यहां, पूछती यही ये बेड़ियां, देख तो कौन है ये। महेशमती, चैन की सांस लो, मेरा बेटा आ गया, बाहुबली लौट आया। चिंता नहीं, 50 गज की प्रतिमा क्या 100-200 लोगों की बलि नहीं मांग सकती? Yeah.
बाहुबली 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 उठा लिया था शिवा ने, उसको क्या होगा? कुछ नहीं हुआ तो वो वापस क्यों नहीं लौटा? हो सकता है उसे अपने लोग मिल गए हो, वो जान गया हो कि हम लोग उसके सगे नहीं हैं। तो वो वापस नहीं आएगा? संगा? मुझे माँ कह के नहीं बुलाएगा? ए, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। आंसुओं की आंच देखकर आपने मुझ पे भरोसा किया था, अब मेरी हिम्मत देखकर एक बार और मुझ पे भरोसा कीजिए। मेरा शिवा रानी देवसेना को छुड़ा लाएगा, मेरे साथ आइए। ठीक है। धर्म का मार्ग दिखाने वाले बाहुबली नहीं रहे, ये कौन कहता है? मैं जीवित होकर भी मर चुका हूं और आप मरने के बाद भी लोगों के मन में जीवित हैं। बाहुबली 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 के नाम की चारों ओर प्रतिध्वनि सुनके लगता है मेरी नहीं उसकी प्रतिमा स्थापित हो रही है। लोगों के मन में दबी बात बाहर आई, या फिर कोई उनके सामने आया? हाँ, असंभव। वहां पहरे पर बैठे हुए रक्षकों को बुलाकर पूछेंगे।
कि ये नाम क्यों निकला और किसके मुंह से निकला तो पता चलेगा ना दादा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज बुला रहे हैं, चलो। आज उन लोगों में बाहुबली का नाम सबसे पहले किसने लिया था? दीवानों से नहीं, तुम लोगों से पूछ रहा हूं। तुम लोग मुंह से कुछ बोलोगे या फिर मैं जबान काट दूं? हाँ, हमने नहीं किया प्रभु, हम नहीं जानते। बंद करो। गधों के इस झुंड में किसी ने भी नहीं देखा। मैंने देखा महाराज। आंखों को मैंने कहीं देखा है भद्रा, मुझे वो जीवित चाहिए। चलो। हे, कौन हो तुम? मैं आपको छुड़ाने आया हूं मां। कटप्पा, महल के भीतर कोई हत्यारा प्रवेश कर गया है, उसने राजभवन को आग लगा दी है। आप लोग उत्तर दिशा की ओर चलिए।
जीवित चाहिए, उसके हाथ पैर कट भी जाए। जी युवराज, फिर भी मुझे वो जीवित चाहिए। चलो इतने सालों से अपने बच चलने का दंड भुगत रही, अब तक सुधरी नहीं। जहां मर्द देखा वहीं पर लार तपकाते हुए दौड़ पड़ी। युवराज, आपकी रक्षा करना मेरा धर्म है। उसे आप तक पहुंचने से पहले मुझसे टकराना होगा।
था। हमारी मरी हुई आशा को जीवन देके महावीर बना के आपने हमें लौटा दिया। जन्म जन्म तक महिष्मती साम्राज्य आपका ऋणी रहेगा। आज मेरी माँ की आंखों में ममता की जगह हमदर्दी क्यों है? ये लोग जिनसे मैं अनजान हूं, मैं इनका भगवान कैसे बन गया? जिस माँ को मैंने कभी देखा भी नहीं, उसके घाव देखकर मेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए? क्यों? मैं हूं कौन? हमारे भगवान अमरेंद्र बाहुबली का अंश हो तुम। अपनी मां देवसेना के 25 वर्षों की प्रतीक्षा का परिणाम हो तुम। राजमाता शिवगामी देवी के बलिदान का फल हो तुम। इस इतिहास का आरंभ 50 वर्ष पहले हुआ था बेटा। माहिष्मती के राज सिंहासन पर तुम्हारे दादा महाराज विक्रम देव विराजमान हुए। राजा के बड़े भाई बिज्जल देव के अवगुणों के कारण उन्हें सिंहासन नहीं सौंपा गया, लेकिन बिज्जल ने यह मान लिया कि अपाहिज होने की वजह से उनके साथ भेदभाव किया गया है। उनके मन में क्रोध की अग्नि दहकती रही। एक दिन अचानक राजा की अकाल मृत्यु हो गई। पीछे छूट गई उनकी संतान जैसी प्रजा और वो पत्नी जो 6 माह गर्भवती थी। 3 महीने तक माहिष्मती शोक के सागर में डूबा रहा। राज्य को संभालने का उत्तरदायित्व महाराज की भाभी और बिज्जल देव की पत्नी शिवगामी ने अपने कंधों पर ले लिया। वो अपनी सूझबूझ और कौशल से माहिष्मती की रक्षा अपने बच्चे की तरह करने लगी। लेकिन कपटी भेड़ियों की चीख पुकार उनके कानों तक भी पहुंचती थी। वो भाद्रपद अमावस का दिन था जब महारानी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। महारानी को बचा नहीं पाए माँ। पुत्र हुआ है।
बाहुबली। क्या ये सिंहासन राजा के बिना विधवा की मांग जैसा सूना नहीं लगता? तो क्यों ना इस पर विराजमान होकर मैं इसे फिर से सुहागन कर दूं? आप सबने वचन दिया था कि आप महेशमती के वफादार बनकर रहेंगे। महाराज की मृत्यु के इस कठिन समय में राज विद्रोह करना क्षत्रिय धर्म नहीं है मार्तंड। शासन को अपने हाथ में लेना ही क्षत्रिय धर्म है महामंत्री। जो राज परिवार के वफादार हैं, इस तरफ आ जाएं। औरत के पीछे कौन खड़ा होगा शिवगामी? कटप्पा! इनके कपट से महिष्मती मैली हो गई, रक्त से नहला दो। वो हमारे लोगों को मार रहा है, तुम लोग क्या देख रहे हो? जाओ उस गुलाम और इस शिवगामी को मार डालो। मारो इस कटप्पा को, मार डालो। मेरे ही लोगों को भड़का दिया, कैसा षड्यंत्र रचा तूने? ये षड्यंत्र नहीं मार्तंड, राजतंत्र है। देवी, आपकी युद्ध रीति और राजनीति हमने अपनी आंखों से देखी है। आप इस सिंहासन पर विराजिए और इस राज्य का पालन कीजिए। नहीं महामंत्री, वो मेरा स्थान नहीं है। फिर किसका है देवी? ये कैसे पूछ सकती हो महामंत्री? उस सिंहासन के लिए ही तो जन्मा है मेरा पुत्र भल्लाल देव। बोलो शिवगामी। मेरे दोनों पुत्रों का इस सिंहासन पर समान अधिकार है। इनमें से बड़ा होकर जो भी महावीर बनेगा, देशवासियों का मान सम्मान जीतेगा, वही महाराजा कहलाएगा। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। ममता से भरी तुझे छाँव मिली, जुग जुग जीना तू बाहुबली। है जहाँ विश्व और अमृत भी, मन वो मंथन स्थली। बाहुबली मन में वो ऐसे टूटे जैसे
जैसे टूटे कोई बिजली। बहुत भूख लगी है, मुझे भी खिला दो। युवराज, आप सब खड़े क्यों हो गए, बैठिए। अब खिलाइए। युवराज, आपका यहाँ आना उचित नहीं और हमारे साथ बैठना तो बिल्कुल नहीं। भूख लगी है तो बातों से पेट भरोगे क्या? युवराज, आपके लिए राज मंदिर में 5 पकवान तैयार हैं। तो होंगे, लेकिन इस खाने में क्या गलत है? महक से तो मुंह में पानी आ रहा है। गलत क्या है आप जानते हैं युवराज, आप राज कुटुंब के हैं और हम छोटी जाति। तो फिर ठीक है, माहिष्मती का युवराज आपको आदेश दे रहा है, खिला दो मामा। क्या बात है भल्लाल, जब मैं राजा बनूंगा तुम होगे मेरे सेनापति। विद्या और शास्त्र ज्ञान में हमारे दोनों युवराज एक समान सिद्ध हुए, तो हमारे होने वाले महाराज का निर्णय आप कैसे करेंगी राजमाता? परमेश्वर मेरे दोनों पुत्रों पर समान कृपा करके मेरी परीक्षा ले रहा है, ये निर्णय लेने में कि ज्यादा होनहार कौन है। महामंत्री, आगे की चुनौतियां और कड़ी कर दीजिए। किसे राजा बनाया जाए ये निर्णय अभी हुआ भी नहीं और राजमाता के सामने एक नई समस्या आ गई, उनके विश्वास पात्र साकेत के रूप में। साकेत ने पहरेदारों को मार दिया और सेना के रहस्य चुरा के भाग गया। राजमाता, युवराजों को इसी वक्त सूचित करो। जो आज्ञा। दोनों युवराज माहिष्मती की सीमाओं के पार दूर देश के राज्यों में राजद्रोही को ढूंढते रहे, तभी उन्हें सूचना मिली कि राजद्रोही सिंहपुरम में छुपा बैठा है, जहां चोर लुटेरे छुपने के लिए डेरा डालते हैं, और अगर कोई पहरेदार वहां आ पहुंचे तो उसके प्राण बचना असंभव है। इससे पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं यहां पर नया हूं। कपड़ों में छुरी, ये क्यों चाहिए? गुप्तचर हो। हमारे पहरेदार इतने चौकन्ने होते तो हमें देश विदेश घूमने का मौका कहां से मिलता। कटारी या होशियारी, जिसमें ज्यादा धारो। मदिरा है,
रोकड़ा है। मेरे सारे भाइयों की प्यास बुझा दे, इतना है। जमके तू मेरा मेरा के अपीलू मैं जमके तू मेरा मेरा हेरा तुम
तुम दोनों के हाथों तड़प तड़प के मरने से अच्छा है। बला! हमारे रहस्य तुमने किसको पहुंचाए? बोलो। काल के काल के रणनीति नहीं मानते, उनकी दरिंदगी हमारी सोच से परे है। अगर वो राज्य में प्रवेश कर गए तो एक एक बच्चे को जान से मार देंगे, भेड़ियों की तरह हर एक औरत पर टूट पड़ेंगे, सारे घरों को लूट कर आग लगा देंगे। ऐसी बातों से छोटे मोटे राज्य डरते होंगे। हमारे पास 25,000 सैनिकों का बल है तो हम क्यों डरें? कालके के पास कितना सैनिक बल है? 1,00,000। सांड घुस जाए या राज्य में काल के, दोनों को शमशान बनते देर नहीं लगती। हमें अपने राज्य की सुरक्षा भी करनी है और शत्रु पर भरपूर प्रहार भी। हमारी व्यू रचना क्या होनी चाहिए? त्रिशूल व्यू। त्रिशूल व्यूह सिर्फ पुस्तकों में पढ़ा गया है, इससे अधिक कोई कुछ नहीं जानता। ऐसे व्यूह के साथ तुम युद्ध करोगे? कोई नहीं जानता तो काल के भी नहीं जानते होंगे। इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। मैं सहमत हूँ। मेरी अनुमति है हमारे राज्य में प्रवेश करने का, यही एक रास्ता है। कटप्पा, शत्रु को रोकने के लिए आपको कितने सैनिकों की आवश्यकता होगी? 5,000 राजमाता, बर्चियों और ढालों से मैं एक लोहे की दीवार बनाऊंगा। सेना को एक अभेद किले में बदल दूंगा। मैं उत्तर दिशा की ओर से सेना का नेतृत्व करूंगा। दक्षिण की सेना का उत्तर दायित्व मेरा होगा। हमें गुप्त सूचना मिली कि कालके का सेनानायक स्वयं पीछे रहकर अपनी आधी सेना को आगे भेज देगा। अपनी व्यूह रचना और हथियारों के बल पर हम किसी भी सेना को एक पहर तक रोक के रख सकते हैं, लेकिन इस एक पहर में हमें कालके के सेना नायक को मार गिराना होगा। उसके मरते ही सेना टूटकर बिखर जाएगी। युद्ध के बीच में सही समय देखकर दोनों युवराज अपनी अश्व सेना के साथ कालकेया पर दो तरफ से आक्रमण कर देंगे। हमारी व्यूह रचना समझकर हम पर पलटवार करने में उन्हें कम से कम एक पहर लगेगा। इतना बहुत है माँ, विजय प्राप्ति के लिए। आधा पहर भी बहुत है उसका सर धड़ से अलग करने के लिए। अद्भुत! इसी युद्ध के साथ नए राजा का निर्णय भी हो जाएगा। जो कालकीय सेना नायक का वध करेगा उसी को मिलेगा महिष्मति का सिंहासन। महाराज ने सत्य वचन कहा। सत्य है। दोनों युवराजों में सेना बराबर बांट दो। भल्ला, बाहु,
मातृभूमि का ऋण चुकाने का यही अवसर है, इसे स्वीकार करो। जय माहिष्मते। तुम्हारे ताया ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है बाहु, तुम्हें ऐसे शस्त्र दिए हैं जो सिर्फ किले की दीवारें गिराने के काम आते हैं। खुली रणभूमि में ऐसे शस्त्रों की क्या आवश्यकता? तलवारों वाला रथ और तीर चलाने वाले हथियार तो भल्लाल देव को दे दिए। तुम्हें इसका विरोध करना चाहिए था बाहु। माहिष्मति सिंहासन अब आपके पुत्र का ही है प्रभु। बाहुबली को बड़ी चालाकी से इसमें क्या चालाकी है जो इतना भी नहीं कह सकता कि मुझे ये सेना चाहिए, मुझे वो हथियार चाहिए, वो कल रणभूमि में क्या झंडे गाड़ेगा? बलवान को और बलवान करो, इसे चालाकी नहीं राजनीति कहते हैं। ए, ये क्या है? क्षमा करे प्रभु, छोटे युवराज ने आदेश दिया है कि तंबू चीर कर कपड़ा ले आओ। है? हमारे पूर्वजों की परंपरा है, ये बलि नहीं चढ़ाई तो सैनिक अपशकुन मानेंगे। हाँ युवराज, युद्ध में जाने से पहले ये बलि नहीं चढ़ाई तो देवी माँ क्रोधित हो जाएंगी। देवी माँ की प्यास बुझाने के लिए एक निर्बल की बलि क्यों? मेरा उमड़ता हुआ रक्त समर्पित है। जय माहिष्मते। माहिष्मति क्षमा धर्म का पालन करता है। माहिष्मति ब्रिग्मिन, ब्रिंटा, हम अंतिम अवसर दे रहे हैं, रणभूमि छोड़कर भाग जाओ, तुम लोगों को प्राणदान दे दिया जाएगा। कोरटा जा रहे फुफू, निम बीट रूल सुलंग दे। निम्टा डोजरस टेल मी हर तबुश क्राक ओइक निम बोमला मोहिनो जुकु लोहा क्वे। तुम्हारे दोनों पुत्रों में जो मुझे मारेगा तुम उसे राजा घोषित करोगी, क्या ये सच है? उनकास्ता मिनो पीजरा शुकुए। और अगर वो दोनों मेरे हाथों मर गए तो? मिन बहत्त सरत्रामा माश्वरति मृम्सा इंकनिम मिन महत्ति चुहर फ्रोक नमटा श्वीक दे ता क
क्राचुरार। तुम्हारे राज्य को और तुमको वश में करके मैं जो पुत्र पैदा करूंगा उसे राजा बना देना। उसे जीवित रहना होगा, उसके हाथ पांव कट जाए, शरीर का सारा रक्त बह जाए, तो भी जीवित रहना होगा। ताबी क्रूल डंकरा, रका, अक्ट्रा, रडा, उपी लुपी, फिक्सेटी, ताबी क्रूल डंकरा। ये तो उसकी दोनों आंखें नोच खाएं और पेट से सारी आते बाहर आ जाएं, तो भी जीवित रहना होगा। कटप्पा! राजमाता! समर शंख फूंक दो! Thank you.
शारा। महासेना घात। We'll be right back.
सेना। हमारा रक्षा कवच टूट चुका है। माहिष्मती की धरती पर पहली बार शत्रु का ध्वज लहरा रहा है। मृत्यु, ये मृत्यु ही तो है। मृत्यु, मृत्यु। हमारे आत्मबल से शत्रु का बल ज्यादा है, यह सोचना है मृत्यु। रणभूमि में शत्रु से भयभीत होकर जीवित रहना है मृत्यु। जिस नीच ने हमारी मां का अपमान किया, वो हमारी आंखों के सामने अट्टहास कर रहा है। उसका सर काटकर मां के चरणों में अर्पित करने की जगह पीठ दिखाकर भागना है मृत्यु। उस मृत्यु को मारने जा रहा हूं मैं। मेरी मां और मातृभूमि को कोई नीच पापी छू नहीं सकता। उनकी छाती चीर कर उन सबको ये कहने जा रहा हूं मैं। मेरे साथ आएगा कौन? मेरे साथ आएगा कौन? उस मृत्यु को पार करके मेरे साथ अमर होगा कौन? जय महिष्मती।
Agarbra! Yoma! Yoma! Rakte! Rakte! गिद्ध उसकी आंखें नोच खाए और पेट से आते बाहर आ जाए, उसके हाथ पांव कटकर शरीर का सारा रक्त बह जाना चाहिए। वीर पुत्र जिसने कालकेय को मार गिराया, युद्ध में विजयी हुआ। हमारा होने वाला महाराजा बल्लाल देव है। जय बल्लाल देव! जय बल्लाल देव! बल्लाल की वीरता ने हमारे राज्य के इतिहास में सुनहरा पन्ना जोड़ दिया। राज्य के कोने कोने में उसकी विजय गाथा फैलाई जाए, उसकी प्रतिमाएं बनवाई जाएं। महावीर भल्लाल देव को आज मैं माहिष्मती की सर्वसेना का अधिपति घोषित करती हूं। बाहुबली को आपका होने वाला महाराज घोषित करती हूं। ए शिवगामी, ये कैसा निर्णय है? कालकेय का अंत मेरे पुत्र ने किया। हमारे पुत्र ने किया? क्या तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा? वो है ना राजा, वही है ना। एक राजा का धर्म सिर्फ शत्रु को मारना ही नहीं होता, प्रजा को बचाना भी होता है। युद्ध में भल्लाल ने दोनों हाथों से बस शत्रु का संहार किया, लेकिन बाहुबली ने एक हाथ से दुश्मन की जान ली, दूसरे हाथ से प्रजा की रक्षा की। ये अंतर है एक सिपाही में और एक राजा में। युद्ध में सैकड़ों को मारने वाला नायक है, लेकिन जो किसी एक के भी प्राण बचा ले वो देवता है। जो चार मामूली लोगों की जान बचाए राजा बन जाए, ये कहां का शासन? बाहुबली को शुभ मुहूर्त देखकर माहिष्मती का राज मुकुट पहनाया जाएगा। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। महापुरुष को एक बार अपनी आंखों से देख सकते हैं? नहीं रहे,
वो देवता अब नहीं रहे। शत्रु उसके पास भी नहीं आ सकता, हथियार भी उसे छूने से डरते हैं। ऐसे महावीर की मृत्यु कैसे हुई? तलवार के वार से तीर के प्रहार से भी ज्यादा घातक है विश्वासघात। महेंद्र कौन? दादा कौन? वो नीच मैं हूं। पर्वत रो